वर्ल्ड सिप डे के अवसर पर पूरे विश्व में नींद की समस्या का विकराल रूप वैज्ञानिकों द्वारा साझा किया गया। अच्छी नींद जीवन के उन चुनिंदा आधारभूत खुशियों में से है जिसके न होने पर हर एक इंसान परेशान हो जाते हैं। यदि आप 30 मिनट से कम समय में सो जाते हैं, रात को नींद नहीं खुलती और सुबह उठने पर तरोताजा महसूस करते हैं, तो आपको नींद की समस्या नहीं है। इसके विपरीत अगर दिन भर थकावट महसूस होती है, अधिक भूख लगती है और आँखों के नीचे का हिस्सा फूला रहता है तो ये खराब नींद के संकेतक हैं। नींद की गड़बड़ी से खर्राटे आते हैं जो कालांतर में स्लीप एपनिया जैसी समस्या दे सकते हैं। इसके चलते सीने में जलन, दर्द, ब्लोटिंग, खट्टी डकारे आना भी संभव है। नींद की कमी की वजह से अक्सर इंसान चिड़चिड़ा और तनावग्रस्त रहता है, यहाँ तक कि शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता भी कमजोर हो जाती है। यूँ तो बहुत सारे उपाय इस संबंध में अपनाए जा सकते हैं, फिर भी प्रमुखता से जीवन शैली सुधारने से नींद की समस्या दूर हो जाती है। मसलन रात में तय समय पर सोए और सुबह निश्चित समय पर ही उठें, सप्ताहांत में भी। सोने से कम 2 घंटे पहले व्यायाम करें और सोने वक्त पढ़ें या संगीत सुने। सोने से 4 घंटे पहले अधिक भोजन से भी बचें। रात में सोने से पहले कॉफी, चाय, सॉफ्ट ड्रिंक्स, धूम्रपान और शराब के सेवन से पूर्णतया परहेज करें। हालांकि सोने से पहले आप हर्बल चाय पी सकते हैं। दिन में सोने से बचें और यदि आवश्यक हो तो एक झपकी भर लें जो 30 मिनट से ज्यादा ना हो। अपने खान पान में सुधार लाने से भी नींद की समस्या को कम किया जा सकता है। कमरे को अंधेरा, शांत और ठंडा रखें। ट्रिप्टोफैन एक ऐसा एम्यूनो एसिड है जो सेरोटोनिन नामक न्यूरोट्रांसमीटर पैदा करने में मदद करता है जिससे नींद नियंत्रित होती है। दूध, अंडे व नट्स, अखरोट, बादाम में ट्रिप्टोफैन भरपूर मात्रा में होती है। दिन भर पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं क्योंकि डिहाइड्रेशन की वजह से भी नींद में बाधा आ जाती है। आहार में मछली, बाजरा, जौ, मक्का और रागी शामिल करें। दिन में एक केला भी अवश्य खाएं क्योंकि इसमें नींद को बढ़ावा देने वाले पोषक तत्व जैसे मैग्नीशियम, ट्रिप्टोफैन, विटामिन B6 और पोटेशियम मौजूद होते हैं। सोने से 30 मिनट पहले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को दूर कर दें। अमेरिकन फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन APA ने हाल ही में एक स्वास्थ्य सलाह जारी की है कि किस तरह सोशल मीडिया के कारण बच्चे में नींद की समस्या आ रही है और इसके चलते बच्चे मानसिक रोगों का शिकार हो रहे हैं और यहां तक कि आत्महत्या तक का खतरा भी इससे बढ़ रहा है। लगभग 25% महिलाओं को मेनोपॉज के दौरान नींद की समस्या होती है और हॉट फ्लैशेस होते हैं जिनसे बचने के लिए बादाम, नारियल, अलसी, पिस्ता और सूरजमुखी के बीज लेने चाहिए क्योंकि इनमें विटामिन ई होता है। सुखिना भवंतु की सलाह। ब्राह्मी का तेल लगाने से तंत्रिका तंत्र को शांति मिलती है जिससे अच्छी नींद आती है। अश्वगंधा तनाव के स्तर को कम करने में मदद करता है। इससे दिमाग को शांति मिलती है और नींद अच्छी आती है। जटामांसी तंत्रिका तंत्र को आराम दिलाने में भी मददगार साबित हो सकती है। शंखपुष्पी को याददाश्त तेज करने वाली औषधि के रूप में जाना जाता है। शंखपुष्पी का इस्तेमाल पाउडर, कैप्सूल, सिर्प या काढ़े के रूप में किया जा सकता है। तगार के इस्तेमाल से तनाव, माइग्रेन और अनिद्रा की समस्या दूर हो सकती है। इसका इस्तेमाल काढ़े या कैप्सूल के रूप में किया जा सकता है। योग की कुछ मुद्राएं करने से आप अनिद्रा की परेशानी से निजात पा सकते हैं और अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं, जैसे बालासन, उत्तानासन, शवासन, विपरीत करणी आसन, शशांकासन, सुखासन, बुध कोणासन। ज्योतिष शास्त्र के जानकारों की माने तो कुंडली का प्रथम भाव, चौथा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव नींद और शया सुख के बारे में बताते हैं। इसके साथ ही शनि को नींद का मुख्य कारक ग्रह बताया गया है। इसके अलावा चंद्रमा, बुध और शुक्र का भी कनेक्शन नींद से है। ज्योतिषीय उपाय। गले में चांदी का बना चंद्रमा धारण करना चाहिए। बेड के नीचे कभी भी लोहे के सामान न रखें। रात के सोते समय पलंग के पास एक लोटे में जल भरकर रखें। साथ ही सुबह उठकर उस जल को पौधों में डाल दें। सुखिना भवंतु ज्योतिषी से सलाह लेकर मोती या ओपल धारण कर सकते हैं।